हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उस पर हियरिंग स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है, सिंस ब्रिटिश टाइम से ही ये चलते आ रहा है। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी था एट दैट टाइम से यह जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वह बना हुआ है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, अर्लियर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दिस इरिस्ट वाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंक्लूड्स द प्रेजेंट डे कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ एंड उत्तर कन्नड। ये जो कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ एंड उत्तर कन्नड, जिसे पहले नॉर्थ कन्नड़ के नाम से भी जाना जाता था, वो अब पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पार्ट थे, जो बाद में यह बाइफर्केट होने के बाद यह कर्नाटका में चला गया। द बेलगम स्पेशली दिस रीजन, यह जो रीजन है बेलगम का वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे बना हुआ है और इस रीजन को लेके ज्यादा डिस्प्यूट बना हुआ है, बिकॉज इस रीजन में कन्नड स्पीकिंग भी पीपल है और मराठी स्पीकिंग भी पॉपुलेशन काफी है। 1948 में जो बेलगम म्यूनसिपालिटी थी उसने रिक्वेस्ट किया कि जो बेलगम में है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो रिसाइड कर रहे हैं दे आर मराठी स्पीकिंग, सो इंक्लूड बेलगम इन द महाराष्ट्र, उसे महाराष्ट्र में इंक्लूड करने की बात की गई। बट 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस, जो सारे स्टेट्स का जो डिवीजन होता है, क्रिएशन होता है, वह लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के बेसिस पे होता है। बट जैसे यह एक्ट पास होता है, बेलगम बिकम द पार्ट ऑफ देन मैसूर, एट दैट टाइम कर्नाटका को मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटका में चेंज हो जाता है। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है 1956, जो बेलगम रिक्वेस्ट करता है कि हमें महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाए इन 1948, उसे बना दिया जाता है पार्ट कर्नाटका का। सिंस देन यह जो डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र एंड बेलगम कर्नाटका, ये बना हुआ है और अभी तक ये रिसॉल्व नहीं हो पाया है। बहुत सारे कमीशन भी बैठे, कमिटीज भी बैठी, बट अल्टीमेटली उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। दैट्स वाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हियरिंग स्टार्ट कर दिया है। देयर इज अ समिति कॉल्ड महाराष्ट्र एकीकरण समिति, फॉर्मड इन 1948। जैसे ही स्टेट या महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो है वो 1948 में यह एस्टैब्लिश होता है, फॉर्मेशन होता है उसका, और सिंस देन यह जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है वह कर्नाटका के लगभग 800 विलेज इंक्लूडिंग बेलगम को महाराष्ट्र में इंक्लूड करने की बात करता है। अब रिसेंट टाइम में 21st सेंचुरी में कर्नाटका 2006 से जो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका विंटर सेशन बेलगम में होस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ताकि अपने क्लेम को यह और अधिक स्ट्रांग कर सके। दैट्स वाई यह जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यह कभी सॉल्व नहीं हो पाया। और ये बहुत सारे कमीशन भी बैठे, जैसे महाजन कमीशन की बात कर ले, एक 4-member कमिटी भी एस्टैब्लिश हुई थी, बट अल्टीमेटली कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। दैट्स वाई अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हियरिंग स्टार्ट किया है। अगर उस महाजन कमीशन की हम बात करें तो 1966 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंसिस्टेंस पे द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी एक कमिटी, एक कमीशन फॉर्म करते हैं, 1-man कमीशन विच इज लेड बाई मेहर चंद महाजन। दिस मेहर चंद महाजन वॉज द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे भारत के 3rd चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हीं के लीड में एक कमीशन बैठती है, महाजन कमीशन, और वो कमीशन कुछ रिपोर्ट देती है। उस कमीशन का कहना होता है कि 264 विलेज को महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया जाए इंक्लूडिंग दैट बेलगम, एंड 247 विलेज को कर्नाटक में इंक्लूड किया जाए, ऑल्सो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कसोरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला,
मस्ट बी इंक्लूडेड इन कर्नाटका, यह कमीशन का सजेशन रहता है, बट यह कमीशन भी इसका जो सजेशन रहता है वह रिकमेंडेशन माना नहीं जाता है, वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। उनका कहना रहता कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें अप्रोक्स एक 50% का कॉन्सेप्ट आ जाए कि कुछ एरिया 50% कर्नाटका को दिया जाए, 50% महाराष्ट्र को दिया जाए, जिसमें वो बात करते हैं कि 264 विलेज महाराष्ट्र का ट्रांसफर किया जाए एंड 247 विलेज कर्नाटका को। बेलगम के लिए ये सजेस्ट करते हैं कि बेलगम को महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब जैसे ही एक और डिस्ट्रिक्ट रहते हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, और कसौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ये जो केरला का पार्ट है उसे कर्नाटका में इंक्लूड करने की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली ये कमीशन का भी रिकमेंडेशन नहीं माना जाता है। इससे पहले 1966 में एक 4 मेंबर कमिटी भी बैठती है, यह 4 मेंबर कमिटी भी अपना रिकमेंडेशन देती है, बट अल्टीमेटली ये भी फेलियर हो जाती है। सो सिंस देन, सिंस 1948 कह के जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का यह पार्ट था और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है, सिंस देन यह जो डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये बना हुआ है, अभी तक ये रिसोल्व नहीं हो पाया है। दैट्स व्हाई रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हियरिंग स्टार्ट किया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब यह जो सेकेंड क्वार्टर होता है बेसिकली द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का जो मंथ होता है किसी भी ईयर का, उसे सेकेंड क्वार्टर में कैलकुलेट किया जाता है। अब यह रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो जीडीपी है और इंडिया का जो जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वह ग्रीव किया है। जीडीपी हैज ग्रोन बाय 6.3%, जीडीपी हैज ग्रोन बाय 6.3% अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर, मतलब सेम मंथ में जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में 2021 के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो जीडीपी में 6.3% का ग्रोथ हुआ है और जीबीए में दिस ग्रोथ हैज ऑफ 5.6% का ग्रोथ हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। यह अभी मिनिस्ट्री का रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम जीडीपी और जीबीए का बात करें कि आखिर ये होता क्या है, तो जीडीपी बेसिकल मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये दो टर्म है, बेसिकली इस दो टर्म का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। जो जीडीपी है वो हम कंज्यूमर साइड से कैलकुलेट करते हैं कि जो जीडीपी है और टोटल बेसिकली जीडीपी इज, अगर सपोज दिस इज अ टेरिटरी, सपोज दिस इज अ टेरिटरी, मान लीजिए कि ये कंट्री है, इस टेरिटरी के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनका जो फाइनल वैल्यू होता है फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, मतलब फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, इज कॉल्ड बेसिकली नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को ही यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो जीडीपी इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी इन वन फाइनेंशियल ईयर। सो दैट्स व्हाई जीडीपी कैप्चर्स द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, कि कितना डिमांड है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड्स। दैट्स व्हाई जीडीपी और जीबीए का एक मेजर डिफरेंस है कि जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वह कंज्यूमर साइड डिमांड साइड से इसका कैलकुलेशन होता है, मतलब जो कंज्यूमर उस पर खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, मासेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो सकता है। सो डिमांड साइड से कितना खर्च हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। और जब हम सप्लाई साइड से, जीबीए जो है वह सप्लाई साइड से कैलकुलेट किया जाता है कि आखिर जो जितना सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेस उसका फाइनल वैल्यू क्या है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, लिख सकते हैं आप।
द जीवीए कैलकुलेट द सेम नेशनल इनकम फ्रॉम द सप्लाई साइड. इट डज सो बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू एडेड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर. जितने भी सेक्टर्स हैं उनका सप्लाई साइड से कितना वैल्यू है उसे कैलकुलेट करके हम जीवीए को कैलकुलेट करते हैं. एक फॉर्मूला है the formula is this GDP and GVA are related by the following equation. GDP equal to GVA plus tax earned by the government and the subsidies provided by the government. जो GDP है उसको कैसे calculate करेंगे, GVA gross value added plus taxes earned by the government minus subsidies provided by the गवर्नमेंट. और अगर आपको जीवीए कैलकुलेट करना है बस इसको हमें रिवर्स करना है, यू कैन कैलकुलेट योर जीवीए. सो बेसिकली दीज आर द टू टर्म्स व्हिच इज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. जीडीपीए कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिमांड साइड एंड जीवीए इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सप्लाई साइड. और रिसेंट में मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जीडीपीए में भी ग्रोथ देखने को मिला है 6.3% का इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और जीवीए में भी ग्रोथ दिखने को मिला है 5.6% का इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. सो ये हमारा मिनिस्ट्री का न्यूज था रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.